प्रयास हो रहे हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज का ये डेस्टिनेशन बन रहा है सच एज बायोटेक्नोलॉजी में, और इसी तरीके से गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोवा में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रमोद सावंत हुआ है, यह भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम नीति आयोग के रिपोर्ट्स देखें तो जहाँ तक गोवा में पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं और वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के दृष्टि से हम थर्ड हैं। तो इस तरीके से विकास के दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम रैंकिंग के दृष्टि से देखें तो आज इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो 7th स्थान पर गोवा था वो अब चौथे स्थान पर आ गया है, 4th स्थान पर, 4th स्थान पर आया है, तो ऐसा मुझे देखने को मिलता है। इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए मुझे संतोष है कि प्रमोद सावंत जी और उनकी टीम और उनके साथियों ने सरकार में रहते हुए बढ़िया कोविड मैनेजमेंट भी किया, लेकिन कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और उसको हैम्पर नहीं होने दिया है, और रैंकिंग्स में भी आगे निकल करके आया है। इसके लिए मैं प्रमोद जी और उनके टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे संतोष भी है और मैं महसूस करता हूं कि आने वाले समय में गोवा की जनता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद देती रहेगी और हम वैक्सीनेशन उसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे। दो विषय मैं ज़रूर आपके साथ टच करना चाहता हूँ कि गोवा अमंग द स्मॉल स्टेट्स हैज़ डन एन एक्सेलेंट जॉब इन वैक्सीनेशन, एंड द फर्स्ट डोज लगभग दिस 31 जुलाई तक हम कंप्लीट कर कंप्लीट कर लेंगे लेंगे और 31 अक्टूबर अक्टूबर तक तक हम सेकेंड डोज भी कंप्लीट कर लेंगे, और अभी तक फर्स्ट और डोज सेकेंड डोज मिला करके लगभग 12.5 लाख डोजेज हो गए हैं, तो यह वैक्सीनेशन के बारे में बताता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। काम गिनाने लगूं, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं या दीनदयाल स्वास्थ्य संस्था की बात करूं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मैं देखता हूं कि सारी स्कीम्स में भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत आगे से आगे उनके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में प्रमोद सावंत जी ने एक लीड ली है, उनके टीम ने लीड ली है। आत्मनिर्भर भारत को संतुष्ट क्या स्वयं पूर्ण हुआ स्वयं पूर्ण हुआ स्वयं पूर्ण गोवा, ये स्वयं पूर्ण गोवा के नाम से आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को जो गोवा पे उतारा गया है, गोवा में उतारा गया है, वह भी बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी डीप रूटेड चेंज इन द गोवन इकोनॉमी, इसको भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने अपने तरफ से जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे कल से आज तक उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इन दी एंड आई विल से दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम हैप्पी विद द गोवा पार्टी यूनिट एज वेल एज द गवर्नमेंट दैट दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आई मस्ट कमेंड देम फॉर द गुड जॉब। Goa will be going to face assembly election next year. So who will be the leader, will be leading your party in Goa? Will it be under the leadership of Mr. Pramod Sawant or will be selecting some new leader? ऐसा है, प्रमोद सावंत जी ने बहुत अच्छा काम किया है और चहुंमुखी विकास प्रमोद जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रमोद जी के ही नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन विषयों के बारे में डिक्लेयर करता है, सो दैट डिक्लेरेशन आई डोंट टेक इट, बट कोई इसमें से और कुछ सोचने का भी स्थान नहीं है। He has got, he is doing a very good job in Delhi and he is taking care of the things there. And according, everybody has interest, but the interest has to be taken care by the party and he has been assigned the job at Delhi and which he is doing very well. Sir,
At the moment, Congress is saying that in the coming assembly elections, they will form the government and people will vote for Congress. What is your say on this? नहीं, वो हर एक राजनीतिक दल का ये काम है ऐसा बोलना, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से लेके गोवा तक इज ए रडरलेस बोट एंड द सेलर डज नॉट नो विच साइड टू सेल. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कांग्रेस. इट इज ए रडरलेस बोट एंड द सेलर डज नॉट नो वेयर टू गो. ही डज नॉट नो द विंड्स ऑल्सो, वेयर द विंड्स आर ब्लोइंग. Just a second, let me make one small announcement that instead of everyone asking the question, let us, you raise the hand, whoever want to ask the question, we will actually ask the question. And before you pose the question, please state your name.